एक ओर जहां एक इंसान अपने परिवार और करीबी लोगों तक ही सीमित रह गया है, वहीं रायबरेली के श्याम साधु ने अपना पूरा जीवन जानवर, बेजुबानों और पर्यावरण के नाम कर दिया है। 81 वर्ष के श्याम साधु का जुनून इस कदर है कि उन्होंने इन बेजुबानों का पालन पोषण तो किया ही है, साथ ही उनका अपने हाथों से अंतिम संस्कार भी किया है। 16 आने सच सुनना चाहते हैं जी जी जी, तो मेरी निगाह में सब बराबर है। जी जी, सब बराबर है जी। कोई भाई अगर तकलीफ में है जी जी, तो हमारे लिए वो उतने ही बड़ा, उतने ही महत्वपूर्ण। पशु सेवी के साथ श्याम साधु पर्यावरण को लेकर भी काफी सक्रिय रहते हैं और गंगा को राष्ट्र नदी की मांग को लेकर 49 दिनों तक अनशन भी कर चुके हैं। श्याम साधु का कहना है कि वर्तमान सरकार में पशु चिकित्सालयों में ऐसा पहली बार हो रहा है कि नियमित रूप से डॉक्टरों की तैनाती रहती है। अब वेटरनरी हॉस्पिटल 24 घंटे खुल गया। 81 साल की उम्र में जितनी सरकारें अभी तक थीं, किसी के राज्य में 24 घंटे अस्पताल नहीं खुलता था जी। और गरीब आदमी आवे और उसका जानवर मर जाता था। वहीं श्याम साधु के परिवार वाले भी बेहद खुश हैं इस काम को देखकर। खुशी होती है और इतनी खुशी होती है कि हम लोगों से आज हजारों लोग पूरे देश में लोग प्रेरणा ले रहे हैं इस काम की। श्याम साधु अपने आप को भले ही कम शिक्षित मानते हों, पर समाज को ऐसी प्रेरणा दी है कि इनको देखकर कईयों ने पशु सेवा का बीड़ा अपने जीवन में उठाया है। ये थे श्याम साधु जी, जिन्होंने बताया कि इंसान की वही पहचान है कि जो औरों की तकलीफों को समझे, उनको दूर करने के अपने हर लाख कोशिश के साथ प्रयत्न करे, यत्न करे। ईटीवी भारत के लिए रायबरेली से प्रणव कुमार।